एक बार बीजेपी के लोगों ने गंगा साफ करने के लिए मंत्रालय बनाया था और इस बार जो मंत्रालय दिया था उनकी टिकट साफ कर दी। गंगा साफ नहीं हुई लेकिन उनकी टिकट साफ हो गई। बताओ झांसी की टिकट साफ हो गई या नहीं हो गई? हमारे नौजवानों ने जो नौकरी मांगी तो याद होगा दिल्ली की सरकार ने क्या कहा था, वो इंटरव्यू याद है? नौजवानों का नहीं याद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि हमारे नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि जाओ नौजवानों पकौड़े बनाओ, यही रोजगार है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों, आप पढ़ लिख करके क्या पकौड़ा बनाना चाहते हो, क्या चौकीदार बनना चाहते हो? और ये जानबूझ करके बोला था पकौड़ा वाला मामला। पत्रकार साथियों, बड़े अध्ययन के बाद हमने सोचा और समझा कि आखिरकार बीजेपी के लोगों ने क्यों कहा पकौड़ा बनाओ। सोचो कभी ये बात दिमाग में आई कि नहीं आई आपके? ये दिमाग में इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और पकौड़ा बनाने के लिए इसलिए कहा कि अगर पकौड़ा बनेगा तो विदेश से तेल आता है उसकी खपत ज्यादा होगी, और जब विदेश से तेल ज्यादा आएगा और खपत बढ़ेगी तो उन्हीं के जो सहयोगी साथी हैं उनका कारोबार बढ़ जाएगा। इसलिए आपने कहा कि जाओ नौजवानों पकौड़े बनाओ, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ अगर पकौड़ा ही बनाना पड़े तो सरसों के तेल के अच्छे पकौड़े होंगे या रिफाइंड वाले, ये बताओ। कहता हूं इसलिए पत्रकार साथी हमने जो अध्ययन किया और अध्ययन में निकला कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप लोग जो पकौड़े बनाए वो विदेशी तेल में बनाए, आप अपने सरसों के तेल में ना बनाए। और अगर सरसों के तेल में बनेंगे पकौड़े तो बताओ लाभ हमारे किसान को होगा जो सरसों पैदा करता है। ये चाहते हैं कि हमारा किसान सरसों पैदा न करे, जो तेल बाजार में बिके वो बाहर का बिके जो विदेश से आता है। सोचो कितनी बड़ी साजिश थी। कभी सोचो ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपने लोगों को लाभ देने के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंचाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाओ नौकरी नहीं है, अगर नौकरी करनी है रोजगार ढूंढना तो जाकर के अपने पकौड़े बना लो, यही सबसे बड़ा रोजगार है आप।